सेलिब्रेटिंग रामनवमी। इसके अलावा मेरे पास कोई और तरीका नहीं है। तो स्टडी टाइम, आज के सेमिनार के लिए मेरे को पहले से पढ़ के जाना है। तो हेलो एंड वेलकम टू लेक्चर 3 ऑफ रिसर्च मेथड्स। रेडी फॉर कॉलेज? यप, ऑलमोस्ट। जस्ट हैव टू वॉक फॉर अनदर 12 मिनट्स। डिड यू वॉच द लेक्चर? नो। व्हाई आर यू सो लेजी? इट्स ओके, आई विल वॉच इट लेटर। गिव योर इंट्रोडक्शन निर्मल। हाय, आई एम निर्मल, आई एम फ्रॉम चेन्नई इंडिया एंड आई एम डूइंग माय एमएससी डिजिटल मार्केटिंग ओवर हियर। And sorry. Oh, so you have to. Yeah. Hello. So my lecture is completed now. तो अभी मेरे को कुछ subjects में problem हो रहा है, तो मैं वो जा रही हूँ कि मैं उन टीचर्स को कैसे चेंज करवा सकती हूँ। मैंने सुना है कि यहाँ पे ऐसे ऑप्शन है दैट इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद एनी टीचर देन यू कैन आस्क देम टू चेंज इट। सो मोस्ट प्रोबेबली आई विल गेट माय क्वेरी रिजॉल्व्ड टुडे। लेट्स सी हाउ इट गोज। बाय। The student counselor and I asked her to change my teacher. तो at the end मुझे ये उन्होंने बताया information देके कि मुझे अपने module leader से basically जो हमारा lecture लेते हैं उनसे बात करनी पड़ेगी। तो let's see, मैं उनसे बात करूँगी कि अगर कोई space होगा तो मेरा teacher change हो जाएगा, वरना फिर जो भी teacher है उनसे मेरे को पढ़ना पड़ेगा। और मे बी धीरे धीरे मुझे उनसे ही पढ़ने की आदत हो जाएगी। तो लेट्स सी हाउ इट गोज। सो फॉर टुडे माय क्लासेस आर फिनिश्ड। इट वाज ओनली फॉर 1 आवर, 10 से 11 मॉर्निंग में। अब मैं वापस जा रही हूँ सेनेट अपने हॉस्टल में। उसके बाद फिर मेरे को अभी खाना भी पकाना है, फिर काम पे भी जाना है। दाल एंड चावल इन मेकिंग। दाल इज़ ऑलमोस्ट डन और चावल अभी हाफ कुक्ड है। नहीं, अभी हाफ भी नहीं है, अभी तो पानी भी बॉइल नहीं हुए हैं। तो थोड़ा नमक कम है बट टेस्ट है। सो बढ़िया, आई हैव टू इम्प्रूव माई स्किल्स एनी वे। 7 out of 10। माई शिफ्ट वॉज स्टार्टिंग फ्रॉम 3 और मैं खाना खा के सो गई और 3:50 पे मेरी आँख खुली। तो अब मैं लेट जा रही हूँ। अब मैं देखती हूँ, वैसे कोई कुछ इतना माइंड नहीं करेगा बट स्टिल प्रोबेबली दिस इज़ द लास्ट डे एट वर्क, वरना सेकेंड लास्ट। उसके बाद अभी तक मैंने डिसाइड नहीं किया कि मैं कहाँ पे ज्वाइन कर रही हूँ। इस वीकेंड में मेरे को यही डिसाइड करना है कि मेरे को जॉब कहाँ पे करनी है, क्योंकि आई डोंट वॉन्ट टू बी फ्री। थोड़ा बिजी रहना इज़ गुड हियर। तो अब मैं यही वीकेंड में यही डिसाइड करूँगी, क्योंकि मेरे पास इस टाइम पे 2 जॉब ऑफर्स हैं पर दोनों जगह पे मेरा आवर्स का कंस्ट्रेंट आ रहा है। एक जगह पे सिर्फ 12 आवर्स के लिए बोल रहे हैं
और एक जगह पे सिर्फ अभी बोल रहे हैं कि 8 आवर्स ही करना है काम पर वीक, उसके बाद फिर वो बढ़ेगा जब फेस्टिव सीज़न आएगा, तो धीरे धीरे जो आवर्स है वो बढ़ेगा। तो इनका फेस्टिव सीज़न वही नवंबर में स्टार्ट होता है। लेट्स सी क्या करती हूँ मैं, थोड़ा कंफ्यूज हो रही हूँ, कभी कभी ऐसा लगता है कि इधर ही करती रहूँ, क्योंकि सब कुछ ठीक है, बस खाली मैं थोड़ा थक जाती हूँ इधर, और टाइमिंग्स आर रियली बैड कि रात को 10 बजे 11 बजे 12 बजे शिफ्ट ख़त्म होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शाम में थोड़ा जल्दी फ्री हो जाओ तो थोड़ा पढ़ाई के लिए भी टाइम मिल जाएगा, या कुछ एक्स्ट्रा काम करना है तो उसके लिए मिल जाएगा। लेट्स सी क्या करती हूँ। ओके बाय, गोइंग टू द बस स्टॉप, टूर ऑफ माई वर्क प्लेस। दिस प्लेस इज क्वाइट नाइस एंड कोजी, एकदम ऐसे अच्छी वाली वाइब आती है यहाँ पे। और मेरी कॉफी। हाय एवरीवन, सो आई एम डन फॉर द डे। 10 बजे मेरी शिफ्ट ख़त्म हो गई, तो आज मैं लेट नहीं हूँ, आज मैं आराम से वॉक करते हुए जा रही हूँ, दौड़ते हुए नहीं। तो आज आराम से बस मिल जानी है मेरे को। ओके एवरीवन, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।